आज देखिए बहुत कुछ पढ़ना है हम लोगों एक्चुअली जो पुराने करंट अफेयर्स उसके हो करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है कीर्ति पांडे और जय हिंद आज हम लोगों को क्या करना है आज हम लोगों को एक्चुअली देर आर हंड्रेड प्रीवियस क्वेश्चन जो पुराने करंट अफेयर्स हैं एंड देर आर ट्वेंटी न्यू करंट अफेयर्स और साथ ही साथ दस ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के हैं जो मुझे लगता है कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं सो लेट्स स्टार्ट रॉक एंड रोल बहुत सारे क्वेश्चन है तो ये तो आप जानते ही हैं है ना एक गुड़ू दूसरा प्रगुड़ू तो इनके बारे में तो कल हम लोगों ने पढ़ा ही था इन्होंने मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है जो कि चेस में नंबर वन प्लेयर हैं और फिर ये तो इंडिया का बुद्धि है खैर तो आज हम लोग एक कंसेप्ट से शुरू करेंगे अंगारियाज इनको कहते हैं अंगारियाज आपको समझ में आता है क्या होते हैं देखिए अंगारियाज क्या होते हैं कि एक पहले तो ये न्यूज में क्यों है एक एफ लगा है एक एफ हुआ है रजिस्टर्ड थ्री पुलिस ऑफिशियल्स के खिलाफ कि ये अंगारियाज से पैसा वसूलने के लिए ये हुआ है ये क्या है अंगारियाज ये पूछा जा सकता है ये बहुत साल सौ साल पहले पुरानी कहानी है और ये बैंकिंग सिस्टम जैसा है तो बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है जैसे कि बहुत सारे मसाले के दुकानदार हैं तो वो सारे मक, मसाले के दुकानदार एक कमेटी बिठा लेंगे और कमेटी बिठाकर हर महीने उसमें कुछ ना कुछ पैसे देते जाएंगे तो इसी तरह से यहाँ पे भी होता है और ये अंगारिया एक पर्सन होता है ये कुरियर करता है ठीक है तो इट इज़ बाय एंड लार्ज यूज यूज इन ज्वेलरी बिजनेस और खासकर ये मुंबई और सूरत एरिया में होता है बहुत पॉपुलर रूट है ये दोनों का मुंबई और सूरत क्योंकि यहाँ पे डायमंड का बहुत ज्यादा ट्रेड है और अंगारिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं पैसा को ट्रांसफर करने के लिए कैश को ट्रांसफर करने के लिए और एक थोड़ा सा नॉमिनल फी लेते हैं तो ये जो देख रहे हैं ना आप तो मान लीजिए कि कोई आदमी है वो मुंबई में बैठा है उसको सूरत में पैसा भेजना है तो ये अंगाड़िया को दे देगा दे और ये अंगाड़िया जाके इसको दे देगा दे उसमें क्या होता है कि दस रुपये का नोट फाड़ के दे देगा दे और फिर बोलेगा कि हाँ दस रुपये में ये नंबर है वो मैच कर लेगा इस तरह से होता है तो पुलिस ऑफिशियल जो है वो इन लोग को बोल रहे थे और ये मारवाड़ी और मलवाड़ी क्लैन में ज़्यादा होता है कि इन लोग से पैसा वसूलने के लिए ये न्यूज़ में है एक ये न्यूज इंपॉर्टेंट है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हाँ अंगाड़िया ठीक है हाँ सीआईडी में देखा था ना वेरी गुड तो वैसा ही होता है ये उसके बाद आप देखें ये जो सेकंड न्यूज इंपॉर्टेंट है उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे ये निरक्षक निरीक्षण सदन शुरू हुआ है श्री सरबंदा सोनोवाल जी ने निरक्षण सदन शुरू किया है और ये म्यूजियम है एंड स्किल डेवलपमेंट फैसिलिटी ठीक है तो ड्रिगेडिंग द म्यूजियम एंड स्किल डेवलपमेंट फैसिलिटी ये एक्सेलेंस मेरी टाइम एंड शिप बिल्डिंग अभी इस पर बात करेंगे और बस आप इतना याद रखिएगा कि अगर निरीक्षण सदन है तो ये विशाखापट्टनम आप बोलिएगा और मंत्री का नाम है श्री सरवंदा सोनोवाल इस पर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इनका निधन हो गया है अब ये कौन है जिनका निधन हो गया आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए हा स्पाई मूवी टाइप अरे जैसे मान लो कि तुमको पैसा भेजना है कहीं अपने नानी घर और तुमने किसी आदमी को दे दिया कि हाँ ठीक है ये पैसा लेके चले जाओ तो सबको पता है ना कि उस आदमी के पास तो बहुत सारे पैसे हैं तो उसको लूटा जा सकता है उस तरह से तो यहां पे एस एच राजा एस एच राजा जो हैं, ये लेजेंडरी पेंटर थे और बहुत ज्यादा ये आइकॉनिक ग्राफ़ी, मतलब भारत में आइकन्स बनाने के लिए टावरिंग लिगेसी ऑफ मॉडर्न आर्ट इनका निधन हो गया है तो आप लोगों को सिर्फ एम एफ हुसैन याद थे अब एस एच राजा भी याद रखिएगा 94 साल में इनका निधन हुआ है बीमारी से फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ये क्वेश्चन मैंने पहले नहीं बताया है लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मैं अभी बता देती हूँ ये नया करंट अफेयर्स है और उसके बाद आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे जो आपने पहले सुने होंगे अब आपको लगने लगेगा अगर सौ क्वेश्चन आप कभी भी बनाए किसी भी सेट से तो अस्सी क्वेश्चन तो कम से कम आपको आएंगे ही ठीक है चलिए तो आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर इसका आंसर पूछ क्या रहा है कि कौन सी ऐसी कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने नाइट नेविगेबल मोबाइल ऐप शुरू किया है नदियों में कल बताए थे ये तो देखिए चीफ मिनिस्टर असम के हेमंता विश्वा शर्मा इन्होंने बोला कि रात में भी लोग नदियों में ये शुरू करेंगे नेविगेशन करेंगे इस कारण से इन्होंने नाइट मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया फेरी के लिए और ये रिवर ब्रह्मपुत्रा पे हुआ है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीईओ ऑफ हॉन्डा कार्स कौन है कौन बने हैं सीईओ ओ हॉन्डा कार और सारे बच्चे लाइक करना भूल गए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए सीईओ कौन बने हैं तो आपको पता है कौन बने गाइज आई एम हैविंग लिटरली हंड्रेड क्वेश्चन सो हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बीस नए करंट अफेयर्स तो आपको पता है क्लास बहुत ज्यादा एनरिच होने वाली है एक एक सेकेंड क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट है सो वी विल नॉट वेस्ट टाइम तो ये देखिए हॉन्डा होंडा मोटर्स और ये कौन बने तकुआ सुमूरा इनका नाम है तकुआ सुमूरा और ये जापान के हैं जापानीज़ ऑटो मेजर होंडा मोटर ने ये अनाउंस किया है क्लियर नेक्स्ट अब बिपुल तिलका ये न्यूज में रहे इन्होंने क्या किया कि ये सी एफ ओ बन गए हैं सी एफ ओ इज चीफ फिनेंस ऑफिसर एक इंडियन रेलवे एयरलाइन के अब आप बताएं कि क्या वो इंडिगो है क्या वो जेट एयरवेज है स्पाई जेट है या फिर गोफर्स्ट है तो देखिए ये बने हैं श्रीलंकन श्रीलंकन एयरलाइन सी और ये कहाँ के बन गए हैं जेट एयरवेज के ये बन गए हैं सी याद रखिएगा इनका नाम है बिपुल गोनाटिले का क्लियर अंडरस्टूड बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है एक प्रोडक्ट को कल भी हमने बताया था इस फूल को डिक्लेयर किया है कि ये ब्रांड प्रोडक्ट रहेगा जम्मू कश्मीर डोगा डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट को फेमस करने की बात हो रही है और जम्मू कश्मीर में ये फेमस हो जाएगा तो कौन सा फूल था ये लेवेंडर का फूल था है ना तो लेवेंडर को बोला गया है कि अब इसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत डोडा डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू कश्मीर का है इसको फेमस कर दिया जाएगा यस yes, सैफरन बच्चे कड़ेवाज में होता है सैफरन इज इन कड़ेवास केसर की खेती कड़ेवा के पहाड़ों पे होती है ये जो है जम्मू कश्मीर का दिशा इसका मतलब मेन इनिशिएटिव है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड और मॉनिटरिंग कमेटी दिशा क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया ने कहा है कि हम एक रोड मैप बना रहे हैं इंडिया इंग्ड इंगड का मतलब है कि साइन किया है साइन इंक से होता है ना तो इंडिया ने जब ऐसे अंग्रेजी में लिखा रहेगा इंडिया इंगड यानी कि दो लोग के बीच में साइन हुआ है रोड मैप बन रहा है ब्लू इकोनॉमी एंड ओशन गवर्नेंस पे तो आप जल्दी से बताएं पवन पांडे बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा तो अब आप जल्दी से बताएं कि ये जो ब्लू इकोनॉमी एंड ओशन गवर्नमेंट पे कौन सा देश ने कहा है कि हम रोड मैप बना रहे हैं भारत के साथ ये फ्रांस है यह आप देख सकते हैं SH, है, एस एच ये जयशंकर हैं डॉक्टर एस जयशंकर तो ये लोगो ये लोग क्या कर रहे हैं ये रोड मैप बना रहे हैं ब्लू इकोनॉमी के लिए कल डिस्कस हो चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान सर्वत्र पूजिए पूजनीय है, है ना विज्ञान सर्वत्र पूजनीय बहुत बढ़िया सारे लोग जवाब दे रहे हैं कल हम लोग जो पढ़े हैं उस पर क्वेश्चन बना रहे हैं और योर आंसर इज कमिंग एक्सेलेंट ये किस सिटी में हुआ है <coughs> विज्ञान सर्वत्र पूजनीय है ना पूजती तो ये हुआ है कल हम लोगों ने इसको भी पढ़ा है ये फोटो भी देखा है ये कहां पे हुआ है यस एवरी वन तो ये न्यू दिल्ली में हुआ है, है ना न्यू दिल्ली में ये एग्जीबिशन शुरू हुआ साइंस एग्जीबिशन सबको आंसर देंगे वेरी गुड चलिए सी डोम डोम एक नेवल एयर एयर डिफेंस है एयर डिफेंस सिस्टम डोम तो आप बताएंगे कि ये जो न्यू एयर डिफेंस सिस्टम है डोम ये किस कंट्री का है सेशन को लाइक करना है शेयर करना है सबको बताना है कि हम लोग रोज अच्छे से पढ़ रहे हैं हाँ बिल्कुल पॉलिटी वाली क्लास होगी दो बजे होती है पॉलिटी पांच बजे होती है ज्योग्राफी अब कल के बाद से मॉक टेस्ट शुरू होगा ठीक है वहां पे भी तो ये सी डोम देखिए ये इसराइल का है ठीक है इसराइल ने बोला है इसराइल की ये जाकर गाजा स्ट्रिप पर आप तो जानते ही यूक्रेन रशिया में क्या हो रहा है क्या पता इसराइल और पैलेस्टाइन में भी शुरू हो जाए ऐसे मेरा मुंह बहुत काला है ना बोले और सही हो जाए क्या पता नहीं बोलना चाहिए तो ये इसराइल जो है गाज़ा स्ट्रिप को देखने के लिए सी डोम शुरू किया है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नस कार्लसन को इसीलिए हम शुरू में वो फोटो दिखाए थे गुरु और प्रगड़ू वाला ताकि आपको याद रहे है ना तो आप बताएंगे जल्दी से कि ये जो चेस प्लेयर हैं यंगेस्ट चेस प्लेयर इन्होंने वर्ल्ड नंबर वन को बीट कर दिया है मैग्नस कार्लसन को तो यह है रमेश बाबू प्रगनानंदना ठीक है तो गुरु प्रगड़ू ये देखिए भारत के बच्चे ने क्या कर दिया फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है खजुराव डांस खजुराव डांस पे फेस्टिवल हो रहा है <clears throat> खजुरा डांस पे फेस्टिवल कौन सा स्टेट ऑर्गेनाइज कर रहा है इसको कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे खजुराओ डांस पे फेस्टिवल कौन सा देश ऑर्गेनाइज कर रहा है कौन सा स्टेट सॉरी तो ये जानते हैं आप कि ये मध्य प्रदेश है मध्य प्रदेश में ये हो रहा है आजादी का अमृत महोत्सव दिल खेल के घूमो ठीक है और हिंदुस्तान के दिल में आप सेफ हैं हिंदुस्तान का दिल कौन सा है मध्य प्रदेश क्योंकि ये भारत के बीचों बीच है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दो बच्चियां हैं जिनका नाम है तनिष्का कोटिया और राधिका कोटिया कल इनका फोटो भी आप लोग देखे थे किसी की पड़ोसी भी है शायद कोई बोल रहा था तो ये जो है अपॉइंट हुई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर के लिए अब आपको बताना है कि ये दोनों जो चेस प्लेयर हैं और तनिष्का कोटिया और रिधिका कोटिया ये किस सिटी की हैं हाँ तो ये जो है ये हैं गुरुग्राम की ठीक है तो गुरुग्राम की दो बहने हैं कोटिया सिस्टर्स और ये चेस प्लेयर हैं और इनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में यंगेस्ट अभी तक की ये यंगेस्ट चेस प्लेयर हैं 2008 में ठीक है और ये हरियाणा स्टेट की अम्बेसडर बन गई है ब्रांड एम्बेसडर नेक्स्ट क्वेश्चन सी ए बी सी सी ए बी सी वेरी गुड आप लोग लाइक कर दीजिए सेशन को आंसर दे रहे हैं बहुत अच्छे से ऑल द बेस्ट हाँ जल्दी सी ए बी सी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन कल्चर बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ठीक है तो आपको बताना है कि ये अपॉइंट हुए हैं मेंबर हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ सी ए बी सी यस तो ये देखें ये yeah, पहले नहीं पढ़े हैं आप इसीलिए हम आराम से बताएंगे सुधा रघुनाथन ये सी ए बी सी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर सेंटर एडवाइजरी बोर्ड ऑन कल्चर के बन गए हैं ये अपॉइंट हुए हैं मेंबर इसको याद रखिएगा ये याद रखिएगा कि अगर ये पूछा जाए सी ए बी सी किस मंत्रालय के अंदर है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है और ये लोग जो हैं डिफरेंट आइडिया और इंटरेस्ट एंड डिफरेंट डोमेन में काम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंध्र आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के नए चेयरपर्सन कौन बने ये भी आई रैंक के ऑफिसर हैं इसके बारे में हम लोग पहले पढ़े थे दो तीन दिन पहले पढ़े थे तो आप बता दीजिए जल्दी से हाँ ये हम लोगों ने क्या पढ़ा था गौतम स्वांग गौतम स्वांग जो है ये आई ऑफिसर हैं और यह आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के बन गए हैं चेयरपर्सन ठीक है चले नेक्स्ट फिर पूछा जा रहा है कि किसने फ्लैग ऑफ किया किसान ड्रोन और बोला कि बोला गया इनके द्वारा कि सौ किसान ड्रोन रहेगा कल हम ये भी बताए थे कि फूल पत्ती बिछाने के लिए नहीं होता है ड्रोन ये किसानों के लिए होता है किसान को हेल्प कर सके किसान क्या करेंगे किसान अपने खेत को यहां से देखेंगे कि इनका खेत जो है कैसा चल रहा है है ना तो यस वेरी गुड ये बताइए हर हर मोदी ये भी कल हम लोगों ने पढ़ा था मोदी जी ने इसको इनोग्रेट किया है सौ ड्रोन किसान ड्रोन और ये सोलह स्टेट जैसे कि उत्तर प्रदेश पंजाब और गोवा में ये ड्रोन चलेगा नेक्स्ट विच इंडियन टेलीकॉम कौन सा इंडियन टेलीकॉम कंपनी ने ज्वाइन किया सीई ए साउथ ईस्ट एशियन मिडिल ईस्ट वेस्ट ईस्ट में सिक्स अंडर सी केबल कॉन्स्टोरियम तो ये बताएंगे जल्दी से आप लोग यस yes, पेस्टिसाइड स्प्रे करने के लिए बिल्कुल सही बात हाँ आए दुगनी करने के लिए तो ये जो है ये कौन सा है ये है आपका भारतीय एयरटेल भारतीय एयरटेल अपना केबल कॉन्स्टोरियम बनाएगा हर जगह और यहां पे ये साउथ ईस्ट एशियन मिडल ईस्ट वेस्ट ईस्ट एशिया में क्या करेगा अपना केबल डालेगा नेक्स्ट क्वेश्चन हंड्रेड हर घर जल डिस्ट्रिक्ट तो ये भी कल पढ़े थे हम लोग कि चंबा डिस्ट्रिक्ट है और ये सोवा ऐसा डिस्ट्रिक्ट हो गया है जिसमें हर घर जल है ये किस स्टेट में है यस yes. किस स्टेट में है? जल्दी से बताइए हाँ ये है आपका हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश में ये सोवा डिस्ट्रिक्ट बन गया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जिसमें हर घर जल यानि कि नल का जल ये पहुंच गया है जल जीवन मिशन के तहत और ये यहाँ तक पहुंच गया है, और ये आप याद रखिएगा चंबा जो है हिमाचल प्रदेश में अब आज का कुछ नया करंट अफेयर देख लीजिए 24 फरवरी को हम लोग सेंट्रल एक्साइज डे मनाते हैं कल यही हम पूछेंगे किस दिन को मनाते हैं तो क्या बताइएगा 24 फरवरी बताइएगा ठीक है नेक्स्ट आप देखिए आर ने कहा है लोगों को कि यूजिंग कार पुलिंग ऐप ये जो कार पुलिंग ऐप लेते हैं आप लोग कि कोई आपका गाड़ी कहीं पार्क कर दे तो उसको सावधानी से लीजिए जैसे कि कौन सा ऐप है एस राइड तो ये बोला गया है कि आप सेमी क्लोज प्री पेड इंस्ट्रूमेंट ये चलाता है विदाउट रिसीविंग ऑथराइजेशन और ये फ्रॉम सेंट्रल बैंक अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट स्कीम एक्ट तक कहा गया है कि एस राइट से सावधान रहिए तो हम आपसे पूछेंगे कि कौन से कार पुलिंग ऐप से तो आप बोलेगा एस राइड ठीक है आज आंसर बता देते हैं कल तक याद रखा कीजिए ताकि जब पूछे तो आप लोग बता पाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट जो चीज़ है वो है सैफ ठीक है तो सैफ क्या होता है साउथ एशियन एथलीट फेडरेशन जो साउथ ईस्ट साउथ एशिया के देश हैं जैसे कि हमारा भारत तो उस लोग आते हैं एथलीट एक फेडरेशन बनाते हैं अब इस चैम्पियनशिप होगा तो कहाँ होगा नागालैंड में होगा नागालैंड में कहाँ कोहिमा में होगा ठीक है नेक्स्ट मंथ होगा 26 यानी कि मार्च को और ये हैप्पी रनिंग हॉर्नबिल हॉर्नबिल एक चिड़िया का नाम है और इसी को मैस्कॉट बनाया जाता है जब नागालैंड में रहता है और मैस्कॉट जो है उसका नाम है एकमजी एकिमजी इसको बनाया गया है ये एक हॉर्नबिल है ठीक है याद रखिएगा मैस्कॉट चिड़िया है हॉर्नबिल और इसका नाम रखा है एकेम जी नेक्स्ट ये तो आप पढ़ ही लिए हैं कि चंबा हिमाचल प्रदेश में जो डिस्ट्रिक्ट है ये आपका हंड्रेड हर घर जल डिस्ट्रिक्ट है यानी कि लोग जल पहुंचा रहे हैं लोगों को बाहर जाकर पानी ना लेना पड़े नल पहुंचाया जा रहा है हर घर में नल हमेशा बंद करके रखें क्योंकि बहुत लोगों को नहीं मिलता है पानी तो ये चंबा में सोवा ये ऐसा जिला है जो कि हिमाचल प्रदेश में है बाकी अदर फोर हर घर डिस्ट्रिक्ट आप देख सकते हैं जयशंकर और भोपा भोपाल पाली ये सब जो जगह है ये तेलंगाना में और मेवात जो है हरियाणा में नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है कि आई रुड़की ने किसान लॉन्च किया है अब ये किसान मोबाइल ऐप क्या है किसान मोबाइल ऐप उत्तराखंड में है पहले हम आपसे पूछेंगे कि किसान मोबाइल ऐप ये किस आई ने किया है तो आप बोलेगा आई आई टी डुड़की जो कि उत्तराखंड में अब ये क्या करेगा ये फार्मर को अवेयर करेगा कि ये ग्रामीण कृषि मौसम सेवा जी के एम एस प्रोजेक्ट के बारे में ठीक है तो यहाँ पे इनको पता चल जाएगा कि मौसम कैसा होने वाला है और इनको कैसा फसल उगाना चाहिए क्लियर है चले नेक्स्ट फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेटीएम पेमेंट बैंक इज नाउ ऑफिशियली एक्वायरिंग पार्टनर फॉर ई रूपी वाउचर ठीक है तो ई e रूपी जो है अगर आपको लेना है तो आप सीधे पेटीएम पेमेंट बैंक से ले सकते हैं गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव शुरू किया है क्योंकि ये कैशलेस बनाना चाहते हैं बिना आप जो फिजिकल mm, मनी देते हैं उसके बिना प्रीपेड पेड वाउचर और ये एस और क्यू कोड से भी हो सकता है ठीक है समझिए तो अगर आपको ई e रूपी लेना है तो आप पेटीएम से ले सकते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि रिलायंस जियो ने क्या किया रिलायंस जियो ने क्या किया है ये न्यू सब सी केबल इंडिया एशिया एक्सप्रेस ताकि ये मालदीव्स को कनेक्ट कर सके तो भारत लार्जेस्ट फोर जी ब्रॉडबैंड डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर है रिलायंस इंफोकॉम लिमिटेड इंडिया एशिया एक्सप्रेस और ये मालदीव्स तक को कनेक्ट करेगा और हब जो है इंडिया और सिंगापुर में नेक्स्ट क्वेश्चन इनका निधन हो गया है अब ये कौन है रिनाउंड मलयालम एक्ट्रेस मलयालम कहाँ है मलयालम मतलब कि केरला इनका निधन हो गया है के पी ए सी ललिता इनका नाम था और सेवेंटी फोर ईयर में इनका निधन हो गया पाँच सौ पचास से ज़्यादा फिल्में इन्होंने बनाए हैं मलयालम और तमिल में और ये जो बॉर्न हुई थी ये महेश्वरी अम्मा ठीक है बॉन एज महेश्वरी अम्मा इनका नाम था केरला में ही इनका जन्म हुआ था सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप जानते ही हैं इस बारे में दुखद बात है कि आज भी 2022 में भी हम लोग इस सिचुएशन में है पूरा दुनिया इस सिचुएशन में कि यूक्रेन पर रशिया ने अटैक कर दिया है है ना दो महीने से ये चल रहा था कि अटैक होगा अटैक होगा अब ऑलमोस्ट अटैक हो चुका है बहुत सारा कोशिश किया गया कि ना हो अटैक पर भी हुआ और एक लाख से ज्यादा ट्रूप रशिया ने यूक्रेन के बॉर्डर पे भेज दिया उसके बाद क्या था फ्यूल में फायर एड करने वाला बात पहले ही से जो बारूद जमा था एक सुलगी लगना था लग गया और फिर क्यों ये हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यूक्रेन जिसका कैपिटल है कीव ये ज्वाइन करना चाहता है नेटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और ये जो है हेड किया जाता है अमेरिका द्वारा रशिया नहीं चाहता है ऐसा हो लेकिन यूक्रेन ऐसा वहाँ ज्वाइन करना चाहता है जिसके कारण रशिया उस पर अब तो शुरू हो ही गया अटैक जानते ही आप लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें नेक्स्ट टॉपिक जो है ये है भारत का रेटिंग डिक्रीज हो गया है जीडीपी ग्रोथ रेट 2022 तो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ये फिच ग्रुप कंपनी है ये कह रहा है कि 8.6 बताएंगे पहले बोल रहा था 9.2 अब बोल रहा है 8.6 ठीक है चलिए उसके बाद आप जानते हैं कोबड़ा के बारे में एक्सरसाइज कोबड़ा वॉरियर ये शुरू हुआ है 2022 भारत पार्टिसिपेट कर रहा है मल्टी नेशनल एक्सरसाइज इन मार्च अब कल हम आपसे क्या पूछेंगे कि ये कहाँ हो रहा है तो आप लोग क्या बताइएगा ये हो रहा है यूनाइटेड किंगडम में ठीक है तो भारत ये एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 2022 ये कहाँ हो रहा है यूनाइटेड किंगडम में हो रहा है जिसमें पांच तेजस एयरक्राफ्ट है पांच तेजस एयरक्राफ्ट है क्लियर हो गया चलिए फिर आपको बताना है कि गिरिराज सिंह ने रिलीज़ किया है रूलर कनेक्टिविटी जी डेटा जी डेटा को रिलीज़ किया गया है लोगों के बीच और ये क्या करेगा रूलर कनेक्टिविटी करेगा ठीक है इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे अभी तो इतना ही है फिर आप देखिए संजीव स, सनायल ये बन गए हैं फुल टाइम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर जो कि प्रधानमंत्री को इकोनॉमिक्स के बारे में बताता है ठीक है तो ई ए सी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसलिंग काउंसिल जो कि प्रधानमंत्री जी के अंदर है जो कि विवेक देवराय जी ने चेयर पर चेयर करते हैं उसको इसके ये मेंबर बन गए हैं संजीव सान्याल मास्टर कार्ड टाईप विथ एस पेमेंट टू बूस्ट डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तो एस पेमेंट के साथ साथ कौन सा बन गया है इसने किसने टाइप किया है तो मास्टर मास्टर कार्ड ने टाइप किया है क्लियर है कहाँ कहाँ पे uh, लखनऊ में गुवाहाटी में वाराणसी में ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटली इम्प्रूव हो सके नेक्स्ट क्वेश्चन प्रधानमंत्री केयर फॉर चिल्ड्रेन स्कीम स्कीम एक्सटेंडेड सेंटर टिल 28 फरवरी 2022 तो एक मिनिस्ट्री है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट उसके अंदर क्या हो रहा है प्रधानमंत्री केयर स्कीम शुरू हुआ है और ये 28 फरवरी 2022 तक इसको एक्सटेंड करा दिया गया है पहले ये पिछले साल के 31 दिसंबर तक ही था ठीक है पी केयर यानी कि जो बच्चे जिनके कोविड में जिनके माता पिता का निधन हुआ है उन तक पैसा पहुंचाने का ये स्कीम था इंडिया ने अपना फर्स्ट आईआईटी बनाया है और ये भारत के बाहर बनाया है इंडिया ने फर्स्ट आईआईटी बनाया है और भारत के बाहर बनाया है और ये कहाँ पे है ये यूएई में है ठीक है तो आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आप जानते हैं भारत में टेक्निकल पढ़ाई के लिए सबसे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट जैसे कि आईआईटी आई की आई खड़कपुर कानपुर दिल्ली बॉम्बे और न्यू आई भी बने हैं और अब बन गया है ये यू में नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए यही हम वेट कर रहे थे फर्स्ट जो हम आपको फ़ोटो दिखाए थे सरबंदा सोनोवाल जी ये मिनिस्टर हैं पोर्ट शिपिंग और वाटर वेस के और आयुष के भी ठीक है तो इन्होंने इसीलिए ये जो हैदराबाद है है गया थे योगा वाला उद्घाटन करने जो कि हार्ट डिजीज़ के लिए याद है तो आयुष के हैं लिए तो इन्होंने निरीक्षण सदन शुरू किया है अब ये क्या करेगा ड्रिगेडिंग म्यूजियम एंड डीसीआई कैंप इन विशाखापट्टनम ठीक है तो ये विशाखापट्टनम में ये डिस्प्ले हो गया है डिफरेंट टाइप ऑफ विंटेज फोटो और हिस्टोरिकल माइलस्टोन जो कि पोर्ट से रिलेटेड है शिप से रिलेटेड है जम्मू कश्मीर में क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जन भागीदारी इंपावरमेंट शुरू किया है कि लोग आए और पार्टिसिपेट करें और ये डिजिटल मिशन के तहत शुरू किया गया है इसको ध्यान रखेगा आर ने अनाउंस किया है डॉलर रुपी टू ईयर सेल बाई स्वैप एक्शन ऑप्शन तो बेसिकली क्या है कि हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे इन लॉग मतलब द मेचोरिटी प्रोफाइल एंड इट्स फॉरवर्ड बुक ठीक है तो हम लोग यहाँ पे स्वैप करने का मतलब होता है कि या तो डॉलर खरीदेंगे और रुपी देंगे तो ज्यादा डॉलर खरीदेंगे और रुपी देंगे इस बारे में ये बात है और यहाँ पे डॉलर फाइव बिलियन तक का ऑक्शन होगा तो यह अभी दो साल का स्वैप ऑक्शन चलेगा चलिए अब हम बोले थे कल पूछेंगे लेकिन एक ट्विस्ट किए हैं आज ही पूछेंगे अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जो सबसे पहला करंट अफेयर्स आज आपको बताएं मेरा आवाज तो अच्छा है नहीं ठीक है और ये अच्छा था लेकिन खराब हो चुका है अब हम आज आपको बताएं कि सेंट्रल एक्सरसाइज डे मनाया जा रहा है अब आप बताइए किस दिन सबसे पहले यही पूछे थे बताए थे किस दिन मनाया जा रहा है बिल्कुल सही बात है चौबीस फरवरी को हम लोग क्या कर रहे हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम बना रहे हैं 24 फरवरी को याद रखिएगा ठीक है और ये क्यों है ताकि ऑफिसर को इनकरेज किया जाए कि ये अपना काम अच्छे से करें और सबसे ज़्यादा सिंसियरिटी दिखाएं करप्शन नहीं करें और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाएं ठीक है तो एक्साइज़ यानी कि एक्साइज वाला क्या करता है उसे अगर कोई इलीगल पैसा है तो उसको जमा कर लेता है तो उसके लिए ये मनाया जा रहा है नेक्स्ट अब देखिए ये एक यंग मैथमेटिशियन है जिनको पुरस्कार मिला मिला है रामानुजन पुरस्कार तो आप बताएंगे जल्दी से कि ये किसको मिला है किसको मिला है रामानुजन पुरस्कार है ना नीना गुप्ता इनका नाम है ठीक है नीना गुप्ता जी को रामानुजन पुरस्कार मिला है और ये यंग मैथमेटिशियन नीना गुप्ता प्रोफेसर है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो कि कोलकाता में है यहां पे इनको ये अवॉर्ड मिला है नेक्स्ट क्वेश्चन है कोबरा एक्सरसाइज एनुअली होता है मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है एक देश से ज़्यादा होते हैं यहाँ पे तो ये किस देश कौन सा देश करता है कोबरा एक्सरसाइज जो है मल्टीनेशनल एक्सरसाइज कौन सा देश करता है अभी अभी पढ़ें आप लोग तो ये करता है कौन सा देश यस यूनाइटेड किंगडम ठीक है तो इंडियन एयरफोर्स भी पार्ट लेगा इस मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में और ये कोबरा एक्सरसाइज है जो कि यूनाइटेड किंगडम में हो रहा है क्लियर है और इंडिया पहली बार इसमें पार्ट लेने वाला है इसीलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं इसमें इंडिया अपना इंडियन एयरफोर्स लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट डालेगा जिसका नाम क्या है तेजस है क्लियर चलिए थम्सअप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं टेज द टेज द टेस्ट ऑफ थंडर है ना थम्सअप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं सारे एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर्स हैं कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसके लिए करंट अफेयर नहीं है लिखा हुआ है करंट अफेयर्स फॉर ऑल एग्जाम तो ये है शाहरुख खान शाहरुख खान थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर बन गए गाइस आप लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए आप लोग भूल गए अब देखिए भारत में केबल रेल ब्रिज पहला ऐसा स्टेट जहां पर तार से लटका रहेगा ब्रिज केबल रेल ब्रिज कौन सा है हाँ कहाँ पे ये पढ़ चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर में है इंडियन रेलवे इंडियाज़ फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर में बना है उधमगढ़ उधमपुर श्रीनगर बाड़ा मुल्ला रेल लिंक एफिल टावर से भी ऊंचा बायोडाइवर्सिटी पार्क हिमाचल प्रदेश में हो रहा है तो आप बताएंगे कि भारत ये जो बायोडाइवर्सिटी पार्क है ये फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क है देश का कहाँ पे तो ये हिमाचल प्रदेश में मांडी में बन रहा है ये बायोडाइवर्सिटी पार्क जिसमें बहुत सारे नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज के तहत इसमें बहुत सारे क्या डाले जाएंगे जड़ी बूटी और हर्ब्स डाले जाएंगे क्लियर है मेडिसिनल हर्ब बहुत सारे मेडिसिनल हर्ब ठीक है फिर आपसे पूछा जा रहा है कि एनबीए बी ठीक है विच हैज़ बिकम द फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया टू गेट एन बी ए तो एन बी ए का मतलब क्या होता है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिएशन चंडीगढ़ में इसको मिल गया है एन ए ए सी ए प्लस एन बी एक रेडिएशन ठीक है इंजीनियरिंग और एम बी ए का यहाँ पे पढ़ाई होता है आई आर एस जी इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप कल बताए हैं इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप में ये बताएंगे आप लोग कि कौन बन गए हैं यहाँ पे इलेक्ट हुए हैं चेयरपर्सन तो जो चेयरपर्सन इलेक्ट हुए हैं उनका नाम है के एन राघवन के एन राघवन इसके चेयरपर्सन इलेक्ट हुए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तीन दिन का क्राफ्ट फेस्टिवल इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर फॉर कल्चरल रिलेशन ये कहाँ पे हो रहा है तीन दिन का क्राफ्ट फेस्टिवल गाइस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए शेयर कीजिए कितना अच्छा होता है आज पढ़ कल पढ़ते हैं आज पूछते हैं आज पढ़ते हैं वो भी आज पूछते हैं है ना तो एकदम रिविजन बहुत अच्छे तरीके से होगा और कल आपको पता है कल सुपर सैटरडे है सुपर सैटरडे में हम लोग क्या करते हैं पूरे मंथ का महा रिविजन करते हैं ठीक है अब आप बताएंगे कल्चरल सॉरी एक सेकेंड है ना तो यहां पे आप बताइएगा क्या पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पे होगा ये दिल्ली में होगा तो ये दिल्ली में होगा उसके बाद एक सेकेंड किसान मोबाइल ऐप के बारे में सवाल है होते रहते। हाँ तो किसान मोबाइल ऐप के बारे में ये सवाल है आपको बताना है कि ये किस आईआईटी ने बनाया है उत्तराखंड में बनाया गया है कौन सा आईआईटी है ये आईटी रुड़की है है ना आईटी रुड़की है बिल्कुल सही बात है जल्दी से आंसर बताएंगे इसका बता चुके हैं आप लोग आईटी रुड़की में अभी किसान ऐप बना है अब देखिए कुछ क्वेश्चन है दस क्वेश्चन जो कि फ्रीडम फाइटर्स पे ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं इसीलिए हमको लगा कि इसको हम लोग डिस्कस कर ले ये हिस्ट्री के क्वेश्चन है ये क्विज है दस क्वेश्चन का जिसमें फ्रीडम फाइटर पे क्वेश्चन है अब आपको बताना है कि साउथ अफ्रीका में कौन से ऐसे थे कार्यकर्ता जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी शुरू स्वतंत्रता सेनानी साउथ अफ्रीका में शुरू किया था नागरिकों के अधिकार के लिए सावरकर महात्मा गांधी तिलक या नेहरू तो आप जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा महात्मा गांधी हो जाएगा है ना अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर इज ऑल्सो नोन एज द अनऑफिशियल द अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया अब ये क्यों कहा जा सकता है ये तभी कहा जा सकता है जब कोई भारतीय भारत को कहीं और रिप्रेजेंट कर रहा हो और उस समय जैसे अभी रिप्रेजेंटेशन का बात होगा तो जनरली अमेरिका का बात होगा लेकिन यहाँ पे वो लंदन में रिप्रेजेंट कर रहे थे और इनका नाम क्या है दादा भाई नरोजी क्योंकि ये मेंबर थे है ना ये मेंबर थे वहाँ के पार्लियामेंट में नेक्स्ट क्वेश्चन कि बोस खुदीराम बोस जी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है क्या ये अनुशीलन समिति के मेंबर थे और ये निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है जल्दी से बताइए इसमें हमको देखना है कि आप लोग आंसर देंगे कि नहीं क्योंकि हमको डाउट है कि आपका आंसर सही होगा <clears throat> जल्दी से आंसर बताइएगा जल्दी एवरी थ्री का आंसर क्या होगा का आंसर आप लोग कह रहे हैं बी दोनों सही कह रहे हैं ओनली टू भी कह रहे हैं बोत कह रहे हैं जो लोग बोत कह रहे हैं ना जैसे प्रिया मैम बोलती है पलंग के नीचे से कूदने वाला वही कर दो ये ओल्डेस्ट है दिखाई क्यों नहीं देता आप लोग को यंगेस्ट है ना ये यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर है जिनको फांसी लग चुकी है और ये सिर्फ ओनली टू सही है अनुशीलन समिति के मेंबर थे ये हाँ जुगान्तर एक जुगान्तर क्या था न्यूज़पेपर था तो जुगान्तर ने बहुत लोगों को फ्रीडम फाइटर बनाने के लिए प्रेरित किया था आज मेरा आवाज़ थोड़ा कम है इसलिए हम चिल्ला के नहीं बोल पा रहे हैं आप लोगों को पता ही है तो एनर्जी अगर कम लग रहा है क्लास में तो अपने आंसर से उस एनर्जी को भर दीजिए है ना तो अब आप बताइए जुगान्तर के फाउंडर कौन थे ये क्वेश्चन इसलिए ताकि बहुत बार पूछा जा रहा है और आपको याद रहे भूपेंद्र नाथ दत्त अभिनाश भट्टाचार्य अभिनाश भट्टाचार्य है ना और बरेंद्र नाथ घोष ये तीनों ही जुगान्तर के फाउंडर थे क्लियर है जुगान्तर क्या है न्यूज़पेपर है और ये तीनों फाउंडर थे जुगान्तर के ठीक है और ये कहां पे शुरू हुआ था 1906 में कलकत्ता में शुरू हुआ था शुरुआत बरेंद्र घोष जी ने ज्यादा मतलब वो इम्पोर्टेंट है उसके लिए क्लियर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी के फ, ये भी है भाई भी हैं खैर नेक्स्ट क्वेश्चन काकोड़ी कॉन्स्परेसी काकोड़ी कॉन्स्परेसी के बारे में बताइए क्या ये ट्रेन कॉन्स्परेसी कैरी आउट हुआ है 1925 में और क्या ये काकोड़ी एक स्मॉल गांव है लखनऊ में और ये यहाँ पे रॉबड़ी हुआ था एच आर ए द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बताइए जल्दी से तो देखिए दोनों ही सही है ठीक है काकोड़ी कांड लखनऊ में काकोड़ी एक गांव है लखनऊ के पास 9 अगस्त 1925 हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इसी में आज़ाद भी थे है ना चंद्रशेखर आज़ाद नेक्स्ट क्वेश्चन अलीपुर बॉम्बे कॉन्स्परेसी अलीपुर बॉम्बे कॉन्स्प्रेसी कौन से किसके लीडर को अरेस्ट कर हुआ था कौन से लीडर अरेस्ट हुए थे अलीपुर बॉम्बे कॉन्स्परेसी सॉरी बॉम्बे बोल रहे हैं बॉम्ब कॉन्स्परेसी अलीपुर एक्चुअली उस समय के कलकत्ता में पड़ेगा अभी के बांग्लादेश में पड़ जाएगा तो यहाँ पे बॉम्ब कॉन्स्परेसी में ये भाग गए थे ठीक है लेकिन वापस इनको वहाँ पे एक्चुअली ये पूना चले गए थे लेकिन वापस इनको यहाँ पे पकड़ा गया अरबिंदो है ना श्री अरबिंदो जो हैं वो कलकत्ता अलीपुर से रिलेटेड है ये बार बार ये क्यों हो रहा है सॉरी ठीक है इसको चेक कर दिया जाएगा आप लोगों कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है भगत सिंह जी के बारे में क्या भगत सिंह का जन्म मार्च तेईस को हुआ था क्या इन्होंने एक पुलिस ऑफिसर जॉन शॉन्डर को मारा था कौन सा स्टेटमेंट सही है हर एक हिंदुस्तानी को पता होना चाहिए भगत सिंह जी के बारे में और आपको पता है कि हम बार बार इनके बारे में आपको बताते रहते हैं तो इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है एक्चुअली दोनों ही स्टेटमेंट सही है ठीक है जॉन शॉन्डर को मारा था इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन मोतीलाल जी मोतीलाल नेहरू प्रोफेशन से क्या थे क्या ये एक लॉयर थे क्या ये एक बिजनेस पर्सन थे या फिर ये टीचर थे या नन ऑफ द अव हो जाएगा मोतीलाल नेहरू क्या थे अगर आप देखे होंगे तो बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स जो बाद में भारत में कोई पोस्ट जाके हेल्ड किए वो जनरली क्या थे लॉयर थे है ना तो मोतीलाल नेहरू जी भी क्या है लॉयर है गांधी जी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है ही ट्रेन्ड इन लॉ एट द इनर टेम्पल लंडन क्या इन्होंने इनर टेम्पल लंडन में लॉ की पढ़ाई की थी और क्या ये भारत लंदन से आए थे भारत 1915 में कौन सा स्टेटमेंट सही है गांधी जी के बारे में इसका आंसर बताइएगा आप लोग क्योंकि हमको लग रहा है कि आप लोग शायद गलत बताएंगे तो इसीलिए हाँ बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू जी के फादर हैं तो इसीलिए आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए हाँ बिल्कुल कौन सा स्टेटमेंट सही है ओनली वन बता रहे हैं ए बता रहे हैं दोनों ही गलत बता रहे हैं ओके ओनली वन बता रहे हैं देखते हैं ठीक है देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है तो देखिए ओनली वन सही है क्योंकि ये लंदन से नहीं आए थे साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को आए थे इसी कारण से हम लोग 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाते हैं ये पहले ही आ गए थे लंदन से इंडिया लेकिन फिर प्रैक्टिस करने के लिए साउथ अफ्रीका गए अब आप बताएंगे फादर ऑफ द अनरेस्ट एक लेखक हैं जिनका नाम है वैलेंटाइन चिड़ोल है ना क्या नाम है इनका वैलेंटाइन चिड़ोल वैलेंटाइन का स्पेलिंग तो आपको हमसे ज्यादा ही पता होगा चिड़ोल का स्पेलिंग हम लिख देते हैं तो चिड़ोल जो है वैलेंटाइन चिड़ोल इनको बोलते हैं फादर ऑफ ब्रिटिश अनरेस्ट ठीक है इंडियन अनरेस्ट तो ये इंडियन अनरेस्ट क्या है मतलब कि इनको एकदम सुख चैन नहीं है अशांत रहते हैं तो बोला गया कि हां बिल्कुल अशांत रहते हैं क्यों क्योंकि इनको देश को आज़ाद कराना है बस इनकी एक गलती हो गई कि मान लीजिए आपके बारे में कोई कुछ भी बोले आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए है ना आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए आपको सीधे क्या होना चाहिए आपको अपना काम करना चाहिए अब इन्होंने ये गलती ये क्या कर दी कि वैलेंटाइन चिड़ोल को जवाब देने के लिए लंदन पहुंच गए खैर तो ये है बाल गंगाधर तिलक जी जिन्होंने दो न्यूज़पेपर शुरू किया केसरी और मराठा और केसरी और मराठा और ये जो है ये क्या है केसरी और मराठा ये लिखा गया है मराठी में और ये लिखा गया है इंग्लिश में आप लोग हमेशा हमसे पूछते हैं ये किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है यकीन मानिए मेरे घर में भी जितने लोग तैयारी करते हैं उनको हम बोलते हैं कि करंट अफेयर्स बहुत बड़े बड़े टीचर भी हैं यूट्यूब पे आप जानते हैं लेकिन हम हम बोलते हैं कि मेरा ही देखो क्योंकि हमको पता है कि इसमें हम अपना जान फूक के डाल रहे हैं ठीक है तो आप लोग भी थोड़ा इसको सीरियसली लीजिए और आप ये बताइए कि ये पुराने क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं नेशनल वॉलीबॉल चैंपियन मेन कैटेगरी में कौन जीता है बार बार ये सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं और आपको आंसर पता होना चाहिए सारा कमेंट देख रहे हैं हम ठीक है आपका हम कमेंट देखे हैं कि मार्च तेईस को भगत सिंह जी को फांसी हुई थी उनका बर्थडे नहीं है बिल्कुल सही बात है तो सॉरी अगर हम इसमें थोड़ा गड़बड़ कर दिए कोई बात नहीं बिल्कुल हम देख रहे हैं आपका कमेंट ठीक है <clears throat> वो हम देख चुके थे फिर हम सोचे कि कल उसको हम रिकॉरक्ट कर देंगे फिर आप देखिए यहाँ पे कौन जीता है तो ये आप जानते हैं मेन कैटेगरी में केरला है और मेन कैटेगरी uh, में हरियाणा है और वेमेन कैटेगरी में केरला ने जीता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोप साउथ 2022 कोप साउथ 2022 एयर एक्सरसाइज हाँ बिल्कुल हम अपने घर वाले को नहीं छोड़े तो तुमको कैसे छोड़ देंगे जल्दी पढ़ो कोप साउथ 2022 एयर एक्सरसाइज कहाँ पे हुआ है तो ये जो है बांग्लादेश में हुआ है ठीक है यूएस और बांग्लादेश के बीच में होता है एक बार यूएस एक बार बांग्लादेश अभी बांग्लादेश में हो रहा है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्विटर ने टिप्स फीचर ऐड किया है टिप्स फीचर क्या है कि मान लीजिए कि ट्विटर में आप किसी को फॉलो करें आपको पैसा भेजना है तो आप टिप्स के तहत पैसा भेज सकते हैं तो पैसा भेजने के लिए कौन से कंपनी के साथ इन्होंने साझेदारी की है ये किया है पेटीएम के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यस जल्दी जल्दी पढ़ो भाई हाँ तो देख रहे हैं आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन रहता है और पढ़ना ज्यादा होता है इसलिए जल्दी पढ़ा कीजिए अब देखिए ये एक कन्नड़ लिटरेचर है पहले ही बोल दिए कन्नडा में कित लिखते हैं और इनका नाम है कानवी है ना चनवीर कानवी तो इनका इनके बारे में इनका निधन हो गया है सॉरी उसके बाद आप देखिए किताब लिखा गया है ह्यूमन कि हाउ यूनाइटेड स्टेट्स एबैंड पीस री इन्वेंटेड वॉर किस तरह अमेरिका ने पीस खत्म करके फिर से वॉर लेकर आ गए और ये सैमुअल मॉन ने लिखा है पहले अगर जो बच्चे पहले एक सप्ताह पहले से करंट अफेयर देख रहे हैं उनको पता है कि हम ये क्यों पूछ रहे हैं क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं हम कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछते जो हम नहीं पढ़ाएं इसलिए आप लोग थोड़ा रेगुलर होइए आज कितना तारीख है पच्चीस तारीख है ना तो पच्चीस तारीख से आप रेगुलर होइए अट्ठाइस तारीख तक आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा मजा भी आएगा और फिर अपने आप के अंदर कंपटीशन भी आएगा यार मैम ये पढ़ाई थी और हम गलत दे दिए ऐसे कैसे गलत दे दिए ए टू थ्री गेमिंग ऐप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं शाहरुख खान और थम्सअप के भी ब्रांड एम्बेसडर अब यही हैं

है ना तो आप बताएंगे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के नए चेयरपर्सन कौन बने ये सब पूछा जाता है नया अपॉइंटमेंट तो ये बन गए हैं संजय श्रोतिरिया आप लोगों को याद है पुराना जो पढ़ाए हैं ये तीन चार दिन पहले पढ़ाए हैं ये सब अब देखिए एक स्कीम है ये स्कीम क्या है डिफरेंटली एबल लोगों के लिए है तो ये इसका नाम है कुंशिन्योम अब आप बताएंगे ये कहाँ शुरू किया गया है तो कुछ नियम लद्दाख में शुरू किया गया है याद रखेंगे लद्दाख में भारत का जीडीपी थर्ड क्वार्टर फिनेंशियल ईयर 2022 सबको अपना अपना एस्टिमेट लगाते रहता है तो एसबीआई भी अपना एस्टिमेट लगा दिया एसबीआई बोला कि 5.8 परसेंट रहेगा खैर मतलब 5.8 परसेंट रहेगा थर्ड क्वार्टर का मतलब समझ रहे हैं पहला क्वार्टर हो जाएगा अप्रैल से शुरू होगा अप्रैल से तीन महीना और जो लास्ट क्वार्टर होता है वो होता है जनवरी फरवरी मार्च तो समझ जाइए तीसरा क्वार्टर यानी कि अक्टूबर नवंबर, दिसंबर के बारे में हाउ मेनी पीपल देखिए अब अहमदाबाद में ये जो ब्लास्ट हुआ इस पे लोगों को फांसी की सजा दी गई है ना? अहमदाबाद ब्लास्ट में लोगों को फांसी की सजा दी गई फांसी की सजा दी गई तो इसमें बोला जा रहा है कि 2008 में जो ये हुआ कितने लोगों को दी गई अब देखिए फांसी पड़ी है स्पेशल कोर्ट के तहत अब ये लोग हाई कोर्ट जाएंगे फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कब लगता है फांसी देखा जाएगा खैर कोई बात नहीं आप बताएंगे तो यहाँ पे 38 लोग हैं थर्टी एट है रणजीत ट्रॉफी के लीग पोर्शन में लीग वाला जो पार्टिसिपेंट होगा उसमें कितना टीम रहेगा ये हम पहले भी बता चुके हैं सब कोई आंसर दीजिए जो आंसर नहीं देगा वो पिटाई खाएगा तो ये जो है अड़तीस हो जाएगा इसमें भी लीग में टोटल अड़तीस लोग हैं कौन सा ऐसा कंट्री है जो कह रहा है कि टायर वन इन्वेस्टर देखिए जो लोग रेगुलर हैं उनको मज़ा आएगा जो लोग अभी आज देख रहे हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा लेकिन कल से उनको भी मज़ा आने लगेगा इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा कौन सा ऐसा कंट्री है जो कि टायर वन इन्वेस्टर वीज़ा रूट अब ये नहीं कि पुराना जाके देखने लगे है ना बहुत लोग सोच रहे हैं कि मैम मैंने कल का नहीं देखा परसों का नहीं देखा पुराना मत देखो आज सुन लो फिर कल से रेगुलर रहना बस ठीक है तो टायर वन इन्वेस्टेड वीजा रूट कौन सा देश इसको बंद कर चुका है ये है यूके आठ बिलियन यूएस डॉलर आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि अपना इतना सारा स्टेक आ, ये स्टॉक मार्केट में डाला है जो भी बच्चे न्यू हैं कल से रेगुलर रहिएगा है, है ना कल से रेगुलर रहिएगा तो सब ठीक हो जाएगा तो यहाँ पे बताएंगे ये है एल राकेश गंगवाल ने रिज़ाइन कर दिया है कंपनी से बोर्ड के मेंबर थे ये और ये कौन सा कंपनी है जिससे राकेश गंगवाल जी ने रिजाइन कर दिया है ये है आपका इंडिगो ठीक है इंडिगो माली से दस साल बाद अपना ट्रूप हटाने वाला कौन सा देश है पहले माली इसी देश के अधीन था अब माली स्वतंत्र हो गया है तो आप बताएंगे ये कौन सा है ये है आपका फ्रांस छोटे छोटे आइलैंड पे ये कब्जा करके बैठा हुआ है जैसे री यूनियन आइलैंड और ये सब खैर फिर आप बताइए कि न्यूक्लियर वेपन वेस्टर्न थ्रेट बोल रहा है ये देश कि अगर हमको पश्चिमी देश से लगेगा कि वो न्यूक्लियर वेपन से अटैक कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे हम सीधे न्यूक्लियर वेपन शुरू कर देंगे तो ये जो है बेलारस है कौन सा स्टेट कह रहा है कि हम फार्मर्स को किसान को बीस हजार रुपए देंगे हर एकड़ ज़मीन के लिए यानी कि हर एकड़ ज़मीन पर यूरिया पेस्टिसाइड छिड़कने के लिए या फिर खेती करने के लिए ये देंगे तो ये दिल्ली है ये कह रहा है फ्रेंच पोलिनेशिया ये ओवर सी एक बहुत सारा द्वीप का समूह है जो आर्चे प्लागो है जिसका नाम है फ्रेंच पोलिनेशिया अब ये फ्रांस में क्या कर रहा है ये पूछ रहा है कि किस कॉन्टिनेंट में है तो ये है ओशेनिया में मतलब ओशानिया कहाँ पे है ये एशिया ख़त्म हो रहा है और ये ऑस्ट्रेलिया के बीच में ओशन है वहीं पे जो देश है उसको ओशनिया कहते हैं डिजिटल वर्क प्लान डिजिटल वर्क प्लान किस देश के समूह के बारे में है भारत ने इसके साथ काम करना शुरू किया है एशियान के साथ ट्रॉपिकल स्ट्रोम शुरू हो गया है तीन साउथ अफ्रीकन देशों में ट्रॉपिकल स्ट्रोम यानी कि तूफान आ गया है और ये इसका नाम क्या है अना इसका नाम है क्या नाम है अना स्टील प्रोड्यूसर में नंबर एक देश कौन सा है स्टील इस्पात का खेती सबसे ज़्यादा इस्पात का खेती नहीं उत्पादन चाइना करता है हॉकी टीम में भारत का रैंक हॉकी एशिया कप में भारत का रैंक क्या है तीसरा है वांग सॉन्ग बारह वांग सॉन्ग बारह मिड रिज मिड रेंज ब्लास्टिक मिसाइल किस देश का है नॉर्थ कोरिया का है इसको याद रखिएगा पूछा जा रहा है जोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया जोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया सेटअप कर रहा है जियो पार्क सबको आंसर दे रहे हैं और अच्छा लग रहा है देख के कि, कि आप लोग को याद है चीज़ें जितना नहीं याद है कोई बात नहीं रिवाइज कर लीजिए तो बस भागिए मत ये नहीं कि चीज़ों से भागना शुरू कर दीजिए क्योंकि ऑफिसर लाइक क्वालिटी का मतलब ही ये होता है कि चीज़ों से भागना नहीं है अब मान लीजिए हम आपको सौ क्वेश्चन दे दिए है ना और सीक्वेंस में भले आपको नहीं आए तो दूसरी बात है लेकिन आप सीक्वेंस में नहीं बना के हड़बड़ा गए तो यानी कि आप में ऑफिसर लाइक क्वालिटी है नहीं पेशेंस है नहीं आप अपने आप को पैनिक सिचुएशन में कंपोज नहीं रख सकते हैं तो आप फिर देश में कैसे ही काम करिएगा है ना तो उसको बना के रखिए और ये सब जो है ये तरीका है अपने आप के अंदर संयम बांधने का तो मध्य प्रदेश है ये डेथ पेनाल्टी रिपोर्ट भारत में कौन बनाता है कौन सा इंस्टीट्यूट है जो कि डेथ पेनाल्टी के लिए रिपोर्ट बनाता है भारत में ये इंस्टीट्यूट जो है ये एनएलयू है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मसाद मसाद फोर्ट्रेस देखिए जिस तरह से हाँ बहुत सारे किला में बहुत सारे मस्जिद में हमास द्वारा अटैक हो रहा है इसराइल द्वारा अटैक हो रहा है तो ये जो है ये इसराइल में है और हमास इस पे अटैक कर रहा है मसाद फोर्ट्रेस पे हमास हमास क्या है पैलेस्टाइन को सपोर्ट करता है नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत नैनी बनाया गया है नानी क्या करेगा नानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नानी बच्चा जब पैदा होता है एम्ब्रियो को मॉनिटर करेगा और जिस तरह से डॉक्टर या नानी ध्यान रखती है प्रेग्नेंट औरत का और, और, और बच्चे का तो ये रखेगा ये चाइना में आर ए एल ये न्यूज़ में है ये हम पहले भी बता चुके हैं ये यूएन का एजेंसी है तो यूएन का एजेंसी ये किस चीज़ पे ध्यान देता है बैंक में हुए गए फ्रॉड इंसॉलवेंसी पे फिर आप देखिए सेहत डिफेंस मिनिस्ट्री का है सेहत सुन के आपको लगेगा कि हेल्थ मिनिस्ट्री का है नहीं डिफेंस मिनिस्ट्री का है अगर किसी का तबीयत वगैरह खराब है तो ये टेली कंसल्टेंस है यानी कि ये कॉल करके बात कर सकते हैं है। वयम रक्षकम वी प्रोटेक्ट ये किसका लोगो है तो ये मोटो है ये किसका मोटो है व्यायाम रक्षकम गाइज एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा ठीक है तो ये है आपका इंडियन कोस्ट गार्ड का वी प्रोटेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन स्पाइक वैक्स स्पाइक वैक्स फुल अप्रूवल फ्रॉम यूएसएफडी ए मैनुफैक्चर बाई फार्मास्यूटिकल तो स्पाइक वैक्स पूछा जा रहा है ये दवाई किस कंपनी का है ये दवाई मॉडर्ना का है किसका है मॉडर्ना का है नेक्स्ट कौन सा ऐसा देश है जिसको टैक्स हेवन कहा जाता है क्योंकि अगर आपको कंपनी यहाँ शुरू करनी है तो आप कर सकते हैं यहाँ आप पे आपको टैक्स कम लगते हैं तो इस देश का नाम क्या है ये देश है आपका यू ए यू ए को टैक्स हेवन कहा गया है फॉर द फर्स्ट टाइम ठीक है पहले कौन कौन सा देश था ये सब देश था या फिर आपका पनामा आइलैंड ये सब था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि हमारे देश में लेप्रोसी कुष्ठ रोग बढ़ रहा है तो 2020 बीस -20 में कितने मरीज मिले हैं कुछ रोग के ये बताइए आप लोग ये मिले हैं पैंसठ ठीक है चलिए पैंसठ हजार पैंसठ हजार हो गए ठीक है फर्स्ट मेल प्लेयर टू विन वर्ल्ड गेम एथलीट अवार्ड तो ये बताइए कौन सा ये पहले तो ये पहला ये बना है अवार्ड ठीक है सबसे पहली बार ये अवार्ड बना है और उसके बाद ये सबसे पहली बार जीत गए हैं तो ये तो पूछा ही जाएगा ये है पी श्रीजेश जो कि फुटबॉल में गोली हैं है ना केरला के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं उसके बाद आपको बताना है कि कॉस्मो स्काई मेट सेकेंड जनरेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया है स्पेस द्वारा तो आप बताएं कि ये किसका है अब आपको लगेगा मैम स्पेस एक्स है तो ओब्वियसली यूएसए होगा तो ओब्वियसली तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा कॉस्मो भी लिखा हुआ है स्काईमेट सेकेंड जनरेशन है लॉन्च स्पेस एक्स किया है लेकिन है इटली का ठीक है एंटोनियो कोस्टा ये प्राइम मिनिस्टर बन गए एंटोनियो कोस्टा और एंटोनियो कोस्टा जो है कहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं ये बन गए हैं आपके पोर्तगल के प्राइम मिनिस्टर एक प्लेयर है सी आर सेवन जो कि फ़ुटबॉल खेलते हैं वो भी पोर्तगल के हैं वास्को डिगामा जो सबसे पहले आए थे वो भी पोर्तगल के थे ये आए थे 1498 में सेकंड पे अल्मेडा आए थे जो कि सबसे पहले गवर्नर बने और फिर थर्ड पे एल्बुकड़ आए थे जिनको रियल फाउंडर बोला जाता है और पंद्रह में गोवा को कैप्चर कर लिया गया फिर ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू किया गया पोर्तुगीज़ द्वारा ये सियाड़ बन गए समुद्र के सियाड़ और 1961 में गोवा को आज़ादी मिली है तो 1498 में जो लोग आए थे 1510 में गोवा को कैप्चर किए थे 1961 में यहाँ से गए हैं तो आप समझ सकते हैं कि पुर्तगीज़ से हम लोग का कितना बड़ा रिलेशन है तो शायद सी आर सेवन से भी होगा खैर तो ये सब तो हो गया है ना और आप जानते हैं कि अगर आपको हमसे डिटेल में अच्छे से बैठ के पढ़ना है मेरे साथ तो आप आ सकते हैं अंडर ट्वेंटी फोर सेवन के ऐप पर ऑफिशियल वेबसाइट अगर आपके पास लैपटॉप है और नहीं तो आप सीधे ऐप डाउनलोड कर लीजिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन के ऐप का उसको डाउनलोड कर लीजिए और एक चीज़ बच्चे बार बार कंफ्यूज करते हैं हम एक बार बता देते हैं अपना मोबाइल भी दिखा देते हैं देख लीजिए बहुत नॉर्मल सा फ़ोन है मेरे पास तो जब आप ऐप इंस्टॉल करेंगे आपको दिख रहा है तो ये कुछ इस टाइप का दिखेगा और यहाँ पर ये स्टोर सेक्शन है सबसे नीचे तो स्टोर सेक्शन में जब जाइएगा तो ये सर्च का ऑप्शन है सर्च कर लीजिएगा जैसे हमको सी आई एस एफ सर्च करना है तो हम सी आई एस एफ सर्च कर लिए और यहाँ पे पैक खुल जाएगा ठीक है तो अभी हम आपको बता देते हैं बड़ा में कि कैसे करना है ये देखिए तो यहाँ पे हम मान लीजिए आज लेते हैं इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपको जूस में भी जाना है इंजीनियरिंग है ना अच्छा गया इंजीनियरिंग तो यहाँ पे हम मान लीजिए एग्जाम्पल ले रहे हैं सिविल महापैक का उसी तरह आप लोग भी सर्च कर लीजिएगा जो भी आपको जो भी आपको पैक लेना है ये सिविल का महापैक है महापैक में ये फायदा होता है कि जितना परीक्षा है ना सब इसमें कवर अप हो जाता है अब व्यू ऑफर में जाइएगा व्यू ऑफर में क्या कीजिएगा आप अपना सीधे यहां पे ईमेल एड्रेस लिखिएगा मान लीजिए हम लिख रहे हैं ए एट द रेट जी मेल डॉट कॉम और यहाँ आप डालिएगा वाई थ्री थ्री टू और अप्लाई करिएगा तो ये सिर्फ थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड सेवेंटी नाइन रुपीज में मालीजा सी है तो थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड एट्टी रुपीज हम कैलकुलेट करके आपको दिखाते हैं तो मेरा फोन काम नहीं करता है आप लोगों को नौकरी लगेगा हमको फोन दे दीजिएगा एक थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एट्टी मान लीजिए इसको हम डिवाइड किए तीन सौ पैंसठ दिन से यानी कि पर डे दस रुपये का जो आप तुर तुड़ खाते हैं उसका आपको कॉस्ट मिल जाएगा और इसमें कम से कम आपको पाँच छः क्लास तो मिल ही जाता है तो पाँच क्लास मान लीजिए तो ये एक रुपए का एक क्लास है अप्रॉक्स नहीं दो रुपये का सिविल वाला डिफेंस वाला और कम है एक रुपये का एक क्लास है तो इसको आप कंटिन्यू करिएगा बाई नाउ के ऑप्शन में आप क्या कीजिएगा अपना नाम लिखिएगा मान लीजिए मेरा नाम है सुमित और मेरा नंबर ये और इसको हम कंटिन्यू कर दिए और यहाँ पे ये पेमेंट का ऑप्शन है जिस तरह से आपको पे करना है आप पे कर सकते हैं तो अगर कोई भी डाउट होगा किसी भी चीज़ में तो आप हमसे बात भी कर सकते हैं आपको पता है मेरे तक पहुँचने का तरीका और टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए डिफेंस अड्डा को इंजीनियरिंग अड्डा को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए लोगों को बताएँ कि शेयर करके कि यहाँ पर अगर एक चीज़ हम बोलेंगे अगर आज आए हैं सिर्फ तो नहीं होगा अगर दो तीन दिन तक आएंगे रेगुलर रहेंगे तो इतना प्रॉमिस है कि ये महीना खत्म होते होते जनवरी फरवरी का याद हो जाएगा मार्च खत्म होते होते बाकी छः महीना भी याद हो जाएगा बस टेंशन नहीं लेना है रेगुलर रहना है ठीक है थैंक यू एवरीवन थैंक यू फॉर द सेशन और एक चीज़ कि अगर आठ बजे सेशन शुरू नहीं होता है तो आठ बज के पाँच मिनट पर हो जाएगा उसका आपको टेंशन नहीं लेना है थैंक यू